बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आसिफा कौसर किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आलू के रोल्स या फिर पोटैटो रोल्स। इसको आप इफ्तारी में झटपट से बना सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। अब उसमें मैं 1/2 टीस्पून कलौंजी डालूँगी। उसके बाद 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसका आटा गूंद लेंगे। आटा हमें बहुत सख्त नहीं गूंदना है और बहुत पतला भी नहीं गूंदना है। पानी थोड़ा थोड़ा डालकर आटा हम गूंद लेंगे। आटे को मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसको 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देती हूँ। इसकी फिलिंग बनाने के लिए 2 आलू लेकर मैंने इसको अच्छे से उबाल लिया था और उसे मैश कर लिया था। उसमें मैं 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, 2 छोटी कटी हुई हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। प्याज डाल रहे हैं इसलिए इसको कंबाइन करने के लिए कॉर्नफ्लावर का यूज़ कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून नमक। अब इसको हमें अच्छे से कंबाइंड कर लेना है। आप हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं इसको अच्छे से कंबाइंड करने के लिए। इसको मैंने अच्छे से कंबाइंड कर लिया है और सारे मसाले आलू में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हथेली पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे एक बार फिर से मिक्स कर लूँगी और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। इस तरह से हमें इसके बॉल्स बनाना है। तो मैंने इस तरह से इसको बना लिया है और इसी तरह दूसरे भी इसके सारे बॉल्स हम बनाकर रख लेंगे। आटा लेकर इसको अच्छे से मल लेंगे और इसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इस पर सूखा आटा लगाकर हम इसकी रोटी बना लेंगे। रोटी हमें ना तो बहुत मोटी बनानी है और ना बहुत ही पतली बनानी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इस तरह से मैं इसकी रोटी बेल रही हूँ। अब ये रोटी मैंने बेल ली है। रोटी बेलने के बाद हमें इसके साइड्स को काटना है और इसे स्क्वायर शेप देना है। आप कटर या फिर चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। अब हम इसकी लंबी लंबी पट्टियां कट कर लेंगे। इसमें 3 पट्टियां निकलती हैं एक पेड़े में। पट्टियां मैंने काट ली हैं। अब हम आलू का एक बॉल लेकर इस पर रखेंगे और इस तरह से इसको रोल करते जाएंगे। ये देखिए मैंने इसका एक रोल बना लिया है। उसी तरह हम दूसरे भी रोल्स बना लेंगे। सारे रोल्स मैंने बनाकर रख लिए हैं। इधर कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था। तेल भी अब गरम हो गया है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये रोल्स डालते जाएंगे और ध्यान रहे कि ये धीमी आंच पर ही हमें इसको तलना है। जब ये 1 साइड से हो जाएंगे हम इसको दूसरी तरफ से पलट कर फ्राई कर लेंगे। इसको पलट पलट कर हमें फ्राई करना है क्योंकि सारे रोल्स पर एक जैसा कलर आ सके। देखिए ये सारे रोल्स एक जैसे फ्राई हो रहे हैं और इस पर कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। चटनी या सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं।
इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल करिएगा। मैं बहुत जल्द एक नई और आसान रेसिपी के साथ आपके साथ फिर से हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।